वेद व्यास जी कह रहे हैं और नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। महाराज इस भारतीय संस्कृत वांग्मय का सबसे पुराना ग्रंथ जानते हैं, उसका नाम है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का चार विभाजन, चार वेदों में उसको बांटा आदरणीय वेद व्यास जी ने। उन वेदों का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। महाराज मैंने वेदों का विभाजन किया, मैंने उपनिषद और पुराणों की रचना की, 17 पुराण हमने लिखे, लेकिन मेरे आत्मा को संतोष नहीं है, पता नहीं क्यों। नारद जी ने कहा व्यास जी अब तक आपने भगवान को प्राप्त करने के लिए जितने कांड के लिए लिखा है जो जो चीजें, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा। अरे महाराज आपने इतना जटिल कर्मकांड बता दिया है भगवान को प्राप्त करने का, वो कलिकाल के लोग नहीं कर पाएंगे, इनके पास टाइम कहां है, ये संभव नहीं है। अरे व्यास जी एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसके श्रवण मात्र में कलिकाल के जीव तर जाए। वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज मुझे बुढ़ापा गया है, अब ज्यादा लिखने और समझने की ताकत मुझ में नहीं है। तो महात्मा नारद जी ने कहा कि मेरे पिता को आदि नारायण ने चतुर्थ श्लोक की भागवत दी थी और उसको मैं तुम्हें सुना देता हूं, मैंने पिताजी से ग्रहण किया और तुम इसी चार श्लोक का विस्तार कर डालो। महात्मा नारद जी ने वेद व्यास जी को रास्ता बताया और वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं वृद्ध हूं। और एक बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट बोल दूं, ये दुनिया वाले नारद का अर्थ जानते हो किससे लगाते हैं? ये दुनिया वाले नारद का अर्थ लगाते हैं चुंगली लगाने वाले से। अरे महात्मा नारद न होते तो भारतीय संस्कृति का कल्याण न होता। एक बात सुनना, जिसके जीवन में नारद मिले उसको भगवान जरूर मिले। ये नारद जी के पूरे जीवन का इतिहास रहा, उठा करके देख लेना। महात्मा नारद जी की आंखें भर आई और कहा व्यास जी इस संसार में भगवान की कृपा से बढ़कर के कुछ नहीं है। मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, मेरी मां एक वेदवादी ब्राह्मण के घर दासी थी और एक बार हमारे गांव में कुछ संत महात्मा आ गए। मेरी मां चली गई संतों की सेवा करने के लिए, उनका बर्तन मांजती, उनका कपड़ा साफ करती और मैं भी वहीं पड़ा रहा। और एक बात आपसे कह दूं, दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन संत और विद्वानों का दर्शन जीव को जल्दी नहीं होता है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के कृपा के बगैर कोई संत विद्वान आपके दरवाजे पर नहीं जाएगा। और जब संतों से मुलाकात हो, जब विद्वानों से भेंट हो, तो यह मान लेना कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बहुत बड़ी कृपा कर दी। महात्मा नारद जी ने कहा कि मेरी मां उन संतों की सेवा करती रही और जब वह महात्मा जाने लगे तो मैं भी जाने के लिए तैयार हुआ संतों के साथ। संतों ने कहा बेटा तुम्हारी मां अभी जिंदा है, तुम मत जाओ क्योंकि मात्र देवो भव। मैं रुक गया और उन संतों ने मुझे मंत्र बता दिया भगवान को प्राप्त करने का। एक बार मेरी मां गाय दुहने के लिए गई और मेरी मां को सर्प ने काट लिया, वो मर गई। और मैंने सब कुछ त्याग करके भगवान में अपना ध्यान लगाया,
अब देखो मैं उस जन्म में तो नहीं आकाशवाणी हुई कि दूसरे जन्म में मिलेंगे, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन करके पैदा हुआ और ये देवताओं ने मुझे बीड़ा दे दी है। इस बीड़ा पर ताल यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं टहल रहा हूं और आपके ऊपर वेदव्यास जी संत कृपा हो गई। और अगर संतों के साथ में रहा जाए तो जीव का कल्याण जल्दी होता है। आइए कवियों लेखकों के स्वरों में देखते हैं। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लागिरे Thank you.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज को नारद जी सांत्वना देते ही समझाते हैं और उसके बाद नारद जी चले गए और श्री वेद व्यास जी ने उठाई लेखनी अठारह हजार श्लोकों में श्रीमद् भागवत लिख दी और ये भागवत लिखते कहां से हैं जरा ध्यान देना। महाभारत की लड़ाई हो चुकी है, कौरव सब मारे गए हैं, पांडवों की विजय हो गई है। और दुर्योधन की टांग तोड़ दी है भीमसेन ने, वो समर भूमि में पड़ा, अंतिम श्वास अपना गिन रहा है, मरने वाला है। इतने में क्या हुआ कि दुर्योधन के पास पहुंच गया अश्वस्थामा। अश्वस्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारे आंखों में इतनी अविरल अश्रु की धारा क्यों क्यों रो रहे हो तुम? दुर्योधन ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी मौत हो जाएगी। अरे मित्र अश्वस्थामा, वीरों की शोभा तो वीर गति को प्राप्त हो जाने में ही है और मैं संसार में रहूं ना रहूं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें एक चीज का अफसोस रहेगा कि हम सौ के सौ मारे गए और वो पांच के पांचों अभी तक जिंदा है, अभी तक नहीं मरे। अगर उनमें से कोई एक भी मर गया होता तो मेरे आत्मा को शांति मिल जाती। अश्वस्थामा ने कहा, आप चिंता न करें, पांडवों को मैं मारूंगा। और इतना कह करके अश्वस्थामा बदला लेने के लिए, पांडवों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मेरे भाई, जिसकी रक्षा नारायण करते हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है दुनिया में। भगवान ने रात्रि में पांडवों को जगा लिया और चले गए घूमने और द्रौपदी के पांच बेटे उस शिविर में सोए हुए। यह अश्वस्थामा गया, रात में पांचों बच्चों का धड़ काट करके सर काट करके ले आया और जब दुर्योधन को दिया तो दुर्योधन ने कहा, मित्र तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए था। मेरी दुश्मनी तो पांडवों से है, आखिर इन अबोध बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा है। वो तड़प करके मर गए। द्रौपदी जी प्रातः काल उठी, अपना पूजा अर्चना करने के बाद जब बच्चे नहीं उठे तो एक मां अपने बच्चे को जगाने के लिए जाती है शिविर में। देखा कि पांच पांच बच्चों के धड़ पड़े हैं, सर किसी में नहीं लगा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा द्रौपदी जी को? जिस मां का एक बेटा कभी मर जाए वो मां अपने पूरे जीवन न तो अपने आप को माफ कर पाती है और न रोक पाती है। और जिस मां के पांच पांच बेटे एक ही रात्रि में मार डाले गए हो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मां पर क्या गंभीर संकट बीता होगा? द्रौपदी चिल्लाने लगी,
अर्जुन ने कहा, द्रौपदी मैं तुम्हारे आंखों के आंसू को नहीं पूछूंगा, अब मैं तुम्हारे आंखों के आंसू को तब तक नहीं पूछूंगा जब तक तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को मैं दंड न दे दूं, मार न डालूं। द्रौपदी जी के केश बिखर गए, उनके मस्तक पर उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। और इधर अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके लाए। द्रौपदी ने देखा कि यही मेरे बेटे का हत्यारा है। द्रौपदी अर्जुन और युधिष्ठिर से कहती है, मत मारो, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है क्या बोल रही हो द्रौपदी? द्रौपदी ने कहा कि मैं ये बोल रही हूं, जिस तरह से पुत्र के वियोग में रोती रोती मैं मरी जा रही हूं, उसी तरह से इसकी भी मां मर जाएगी चिल्ला करके अगर इसको मार डालोगे तो। इसलिए आपसे अनुरोध करती हूं कि छोड़ दो, जितना तकलीफ मुझे हो रही है इसकी भी मां को उतनी ही तकलीफ होगी। अभी इसको छोड़ दीजिए। भगवान वही खड़े हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, ये द्रौपदी ठीक कह रही है, छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताइयों को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, दोनों में पाप है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए लेकिन आतताइयों को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप बताओ, ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अश्वस्थामा के मस्तक पर लगी मणि बाढ़ चला करके अर्जुन ने निकाल दिया और वो निस्तेज होकर के धरती पर गिर गया, न मरने में रहा न जिंदा में रहा। लेकिन महाराज, सूत जी कहते हैं, ये जब चला गया तो प्रतिशोध की भावना इसके मन में जन्म ले चुकी थी और उसी प्रतिशोध की अग्नि में वो जल भी रहा था। प्रतिशोध माने होता है बदला। आपके साथ कोई बुरा करे और हम भी उसका बुरा करने के लिए ठान ले, यह होता है प्रतिशोध, इसे कहते हैं बदला, इसे बदला कहते हैं। अर्जुन, अब जो तुम्हारे समझ में आए वो करो। अश्वस्थामा जब प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है, उसने कहा, पांडवों मैं तुम्हारे खानदान को मिटा दूंगा, बचा ही कौन है, पांच बेटे थे मारे गए, तुम मर ही जाओगे और तुम्हारे आगे संतान कोई है नहीं। उत्तरा अगर गर्भवती है अभिमन्यु की पत्नी तो मैं उसके गर्भ को समाप्त कर देता हूं। उत्तरा के गर्भ पर चला दिया स्त्री ब्रह्मास्त्र। महाभारत में उत्तरा जी है ना, अभिमन्यु की पत्नी है, जो 16 साल की अवस्था में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। वो परम क्षत्राणी, वो राजधर्म की पालन करने वाली महिला अपने छात्र सौव्रत धर्म से जिंदा है। और जब अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर, तो उत्तरा भाग करके जा करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ी
इसका एक बड़ा बड़ा आशय है। जीवन में जब कभी आपत्ति आए आप पर हम पर, तो संसार वालों का मुंह मत ताकना, ठाकुर जी को याद करना। संसार में और गिरे समय में अगर कोई साथ देता है तो वो दुनिया में सिर्फ ठाकुर जी हैं, बाकी कोई नहीं देता होता। अगर आप अच्छे पद प्रतिष्ठा पर चले गए तो आपके रिश्तेदार सब कहेंगे वो मेरे रिश्तेदार हैं, और समय अगर आपका गिरा तो रिश्तेदार कहते हैं कि अब आपका टेलीफोन नंबर ही मेरे पास नहीं था। और आजकल तो रिश्तेदार आते हैं तो हाल कम पूछते हैं बल्कि ज्ञान ज्यादा बता करके चले जाते हैं। इस संसार की विडंबना, आइए विषय पर। उत्तरा भगवान के श्री चरणों पर जाकर गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे ठाकुर मेरी रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा से कहा, तुम्हारे ससुर तो योगी हैं, तू उनके पास क्यों नहीं गई? तो उत्तरा ने कहा, महाराज मैं योगी को छोड़कर महायोगी के पास आई हूं, तो मैंने कोई गलती कर दिया। पाहि पाहि महायोगिन, मेरे ससुर तो योगी है महाराज, लेकिन आप तो महायोगी। रही बात, मैं पतिव्रता थी तो देव देव जगत पते। महाराज जी, मेरा पति तो इस दुनिया में रहा नहीं और आप तो जगत के पति हैं। ठाकुर जी, आप तो जगत के पति हैं, मैंने क्या गलत किया? उत्तरा जी हाथ जोड़ करके कहती, हे आर्तत्राण परायण, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा स्थिति बड़ी खराब है, उत्तरा जी से कहा, उत्तरा तुम अपने नेत्र को बंद कर लो और थोड़ी देर के लिए अपने अपने हृदय में मात्र भाव ले आओ। उत्तरा ने नेत्र बंद किया तो वैष्णवम तेज आसाद्य, भगवान का पवित्र तेज महारानी उत्तरा के गर्भ में चला गया परीक्षित, और परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए। उत्तरा गर्भवती है और गर्भवती उत्तरा का कल्याण भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा कर दी। जब उत्तरा को शांति मिली और उत्तरा का गर्भ सुरक्षित बच गया, गर्भ में पल रहे बालक का नाम परीक्षित होगा, जब परीक्षित जी बच गए तो भगवती उत्तरा शांत हो गई। भगवान जब खड़े हुए तो भगवान के सामने कुंती जी आकर के हाथ जोड़ करके गोविंद के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहती है, लाला। कुंती जी ने बड़ी अच्छी स्तुति की है भागवत में भगवान की। कुंती जी कहती है, ततः परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रियः।
कुंती जी की आंखें भर गई है, उनका गला अवरुद्ध है और कहती है, लाल जी बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस योगेंद्र मुनींद्र ध्यान धारणा समाधि यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार का पालन करके तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाए। मैं भला आपके तत्व को कैसे जान सकती हूं ठाकुर जी? भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रियः। भक्ति और योग को मैं कैसे बता सकती हूं? मुझे पता नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की आराधना करते करते कुंती जी की आंखों में पानी भर, और कुंती ने कहा, ठाकुर मैं कुछ जानती नहीं। और भगवान की पूजा जब साधकों बुद्धिजीवियों जब करना, तो हम लोग भगवान की पूजा करने लायक है ही नहीं, ये तो उनकी कृपा है। हम भगवान के तत्व को उनकी अस्मिता को समझ नहीं सकते, लेकिन भगवान को कब जाना जा सकता है? जब भगवत कृपा हो जीव पर तब जाना जा सकता है। जीव करे परिश्रम और भगवान करे कृपा, तब भगवान को जान पाना जीव के लिए संभव। कुंती जी कहती, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। हे मेरे जीवन सार सर्वस्व, हे कमल के सदृश नेत्र रखने वाले नारायण, मैं आपको बार बार नमन वंदन करती हूं, आपका भजन यजन पूजन करती हूं। और एक बात सुनना, भगवान कुंती को कहते हैं बुआ। भगवान ने कुंती जी से कहा, बुआ आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे करके तब जाऊंगा। कुंती ने कहा, गोविंद सच कहते हो? कहा हां। तो कुंती ने कहा, दे दीजिए मुझे। क्या दे दे? अरे भगवत भक्तों, कुंती की तरह वरदान भगवान से दुनिया में किसी ने ना तो मांगा है और ना कोई आगे मांगेगा, और ना मांगा था। कुंती ने जानते हो भगवान से क्या कहा? कुंती ने कहा, गोविंद अगर देना है तो दे दो। क्या दे दूं बुआ जी? भगवान कहते हैं तो कुंती जी फिर कहती हैं, विपदा संतु नाशस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतः स्यात् पुनर्भव दर्शनम। गोविंद अगर मुझे देना चाहते हो मेरे भैया, तो मुझे इतना कष्ट दे दो, इतना दुख दे दो कि सारे दुखों का पहाड़ सब मेरे सर पर टूटे। भगवान कुंती को पकड़ लिए, ये आप क्या कह रही है? इतना दुख लेकर के क्या करोगी बुआ जी? कुंती की आंखें भर आई, गोविंद मेरे ऊपर जब दुख आएगा तो तू बचाने तो मुझे आओगे ना? और हे मेरे लाल जी, जब मैं तुम्हारा एक बार दीदार कर लिया करूंगी तो वो सारा दुख मेरा सब गायब हो जाएगा तुम्हारे दर्शन के सामने। तुम्हारा दर्शन होता रहे, इससे बड़ा सुख संसार में मेरे लिए क्या हो सकता है?
बताओ दुनिया में कोई भगवान से विपत्ति मांगता? दो मिनट के लिए मंदिर गए तो हमारे बच्चे को ठीक रखना, हमारे घर को ठीक रखना, दुनिया भर का काम भगवान को बता करके संसारी चले आते। क्या करें बेटा, लेकिन यहां कुंती के जीवन से हमें यह प्रेरणा लेने की जरूरत है, जब भी जीवन में संकट आए घबराना मत, भागवत सुन करके जा रहे हो धैर्य रखना, तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे, उन पर भरोसा रखना बस। कुंती के भक्ति की एक विशेषता और बता दूं, कभी भगवान से कुछ मांगना भी नहीं आप लोग। भगवान के मंदिर में जाओ, दरबार में जाओ, पूजा करो और उनसे कह दो जिस लायक हमें वो आप देखो। मनमानी भक्ति का आचरण मत करो, दासत्व भक्ति रखो भगवान से। कुंती ने कहा ठाकुर जिस कष्ट में आपका दर्शन हो जाए वो कष्ट कहां कष्ट रह गया जिसमें भगवान का दर्शन हो जाए। अरे भैया जितना दुख हम लोगों के ऊपर जब उठता है तो जितना हम भगवान की को याद करते हैं पूजा करते हैं उतना हम लोग सुख में नहीं करते, वो दुख ही ठीक है जो भगवान को स्मरण कराता रहे। वो सुख किस काम का, काम का जिसमें हम भगवान को ही भूल जाए। भगवान उस बच्चे की रक्षा किए और महारानी उत्तरा की रक्षा की। भगवान रक्षा कैसे करते हैं गोस्वामी जी मानस में, गोस्वामी जी के देखना। भगवान कहते हैं करहूं सदा तिन्ह की रखवारी, करहूं सदा तिन्ह की करहूं सदा तिन की रखवारी, करहूं सदा तिन की रखवारी, जिली मालत राड़ महतारी, जिली मालत राड़ महतारी, शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, ते स्वद्रोह कृत अघ देहि दागा, करहूं सदा तिन्ह की रखवारी। वो ठाकुर जी अपने भक्तों की हर निश रक्षा करते हैं, उन पर यकीन रखना, भरोसा रखना नारायण पर, वो कल्याण करेंगे, सर्वविधि कल्याण करेंगे। आइए विषय पर। उसके बाद पांडव लोग भगवान के साथ में चले गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे और पांडव ने उनसे निवेदन किया कि आप पितामह कुछ तो बता दीजिए, हम लोग अब राजा हो गए हैं हस्तिनापुर की, क्या बता दे? तो कहा दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यतः। महाराज ये दान धर्म राज धर्म के बारे में कुछ बता दो। बीस पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, आंखों में उनके पानी भर गया और उन्होंने पांडवों से कहा हम बता दें। अरे भैया
जगत गुरु को तो तुम साथ में लेकर घूम रहे हो, और बताएं हम। और एक बात आपसे निवेदन कर दे रहा हूं, जगत गुरु दुनिया में जितने हैं महाराज, दुनिया में जगत गुरु कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया का सिर्फ एक जगत गुरु, दुनिया में सिर्फ एक जगत गुरु, वो कौन है? श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो केवल भगवान श्री कृष्ण हमारे लाला जी ही संसार के जगत गुरु हैं, बाकी आज के दम भरने वाले लोग ये पृथ्वी के जगत गुरु नहीं बन सकते। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब क्या हुआ, भगवान ने कहा दादा कुछ बता दीजिए। भीष्म पितामह ने पांडवों से सबसे पहले सवाल किया, बेटा जिंदगी में पाप नहीं करना, न तो पाप करना चाहिए और न पाप होते देखना चाहिए। जो अन्याय को देखता है वो भी उतना ही बड़ा पापी है, और जो पाप करता है वो तो पापी है ही। आप बताओ, जैसे इतना कहा द्रौपदी जी हंस पड़ी, संतों के भाव दे रहा हूं। द्रौपदी ने कहा स्वामी आदरणीय पितामह, वो दुशासन जब भरी सभा में मेरे तरफ झपटा, अगर आप खड़े हो गए होते तो किसकी मजाल थी कि मुझे कोई हाथ लगा देता। भीष्म पितामह ने कहा बेटा मैंने पापी का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि पाप में हो गई। और एक बात सुन लो, कोशिश भी वो ये करो कि अन्न वहां खाना पड़े जहां का खाने लायक हो। अगर आप ये जानते हैं कि ये पापी है, अगर आपको पता है कि ये व्यभिचारी है, ये नीच है, उसके यहां कोशिश करो कि पानी न पीना पड़े, ज्यादा अच्छा है, नहीं विवेक को नष्ट करके तुम्हारे भी रख देगा। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी इतने बाण मेरे शरीर में चुभे हैं बेटा कि उस अन्न के जितने खून थे वह सब निकल गए हैं, मेरी अंतरात्मा पवित्र हो चुकी है, इसलिए पवित्र वाक्यों को बोल रहा हूं। फिलहाल भगवान ने समझाया, भीष्म पितामह ने कहा गोविंद एक काम आपके जिम्मे है, यह मेरी बेटी है, ये अगर आपके चरणों में सती हो जाए तो ज्यादा ठीक है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। ये जो मेरी मति रूपी बुद्धि है, जो बुद्धि है ना उसको बेटी कहा है, ये मेरी मति, ये मेरी बुद्धि आपके चरणों में सती हो जाए गोविंद, ऐसी आपसे प्रार्थना है। भगवान भीष्म पितामह के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, और भगवान के सामने ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। आकाश मार्ग से पुष्पवृष्टि हुई, और आदरणीय भीष्म पितामह सदगति को प्राप्त हो गए। भगवान के पवित्र दैदीप्यमान दर्शन करते करते इसके बाद पांडव लोगों ने भीष्म पितामह का कर्म किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, चले आए हस्तिनापुर, और भगवान हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए द्वारिका। समय आने पर उत्तरा के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य बुलाए गए,
सब लोगों ने कहा महाराज ये लड़का राजा सिबी के तमाम समान दानी होगा, किसी ने कहा भगवान राम की तरह सत्य संकल्प होगा, किसी ने कहा महाराज ये बलि की तरह पराक्रमी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है महाराज, यह संसार का पहला बालक पैदा हुआ है जिसको अपनी मौत से खौफ नहीं है। आपको पता है कि हम लोग क्यों जिंदा हैं? हम लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि मरना कब है। अभी कोई कह दे कि भैया आज बृहस्पतिवार है और अगले बृहस्पति को तुम खत्म हो जाओगे, तो हो सकता है कि हम लोग उसके बीच में ही चले जाएं, हार्ट अटैक हो जाएगा। हम इसलिए ही जिंदा हैं कि हमें यह नहीं पता है कि हमारी मौत कब आने वाली है, और वो आएगी ये भी सच है, इसको सब जानते हैं, आएगी जरूर आएगी। महाराज परीक्षित जी, उस बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। भगवान भी आए थे बच्चे को देखने के लिए, उपहार वगैरह दे करके गए हैं ऐसा वर्णन ऋषि श्रीमद्भागवत जी। और मैं चलता हूं सीधे परीक्षित जी का नामकरण संस्कार हुआ, परीक्षित जी बड़े हुए, परीक्षित जी का विवाह भी हुआ इरावती के साथ, जन्मेजय इत्याद बेटे बेटे भी पैदा हुए। और भगवान काफी दिन द्वारिका से हस्तिनापुर नहीं आए तो अर्जुन चले गए पता लगाने, और अर्जुन जब तक लौटकर हस्तिनापुर आए तब तक पता चला भगवान अपने लीला का संवरण करके धराधाम से चले गए 125 साल बिता करके। जब ये बात पांडवों को पता चली तो वह भी हिमालय में जाकर के गल गए परीक्षित जी को राजा बनाकर। आइए थोड़ा भगवान नाम जप करेंगे, परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा हो गए हैं और हम लोग थोड़ा भगवान नाम स्मरण करते हैं, उसके बाद चलते हैं मार्मिक कथाओं की तरफ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Yeah.
जी महाराज परीक्षित जी हस्तिनापुर के नरेंद्र बन गए। हस्तिनापुर कहते हैं दिल्ली को, और दिल्ली ही राज्य सत्ता रही है। ध्यान देना शब्दों पर, बहुत मार्मिक भाव है। महाराज परीक्षित जी जब राजा बन गए, लेकिन परिवार का पड़ा प्रदत्त संस्कार और उनके हृदय में जो भक्ति का बीज पड़ा है वो सदमार्ग पर ही चलने वाला है। वो बीज कुमारगी नहीं। परीक्षित जी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल पड़े, चल पड़े पूर्वजों के पद चिन्हों पर। राजा तो हो गए हैं, लेकिन रात में उठ करके घूम लेना, अपने प्रजा का हालचाल ले लेना, ये सब गुण उनमें विराजमान है। महाराज परीक्षित जी राजा तो जरूर है, लेकिन उसके पहले भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हैं। भगवत भक्ति उनमें कूट करके बड़ी भरी हुई है। और एक बात आप लोगों से निवेदन कर दूं, परीक्षित जी अपनी मृत्यु भी जानते हैं। लेकिन भय नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में भगवान की पूजा अपने हृदय से करता है ना, वो दुनिया को कभी डरता दबता नहीं है। दिखावे के लिए पूजा मत करो बैठ करके, उसका कोई मतलब नहीं। पूजा इसलिए करो, और पूजा इस प्रकार से करो, भक्ति इस प्रकार से करो, या तो वो संत सम्मत हो या वो शास्त्र सम्मत हो, और या तो श्री गुरुजी महाराज की का सम्मत हो। मनमानी भक्ति का आचरण ठीक नहीं। ये महाराज परीक्षित जी सुखदेव स्वामी जी ने संबोधन में कहा था, संसार में सबसे बड़ा धर्म है इस जीव को भगवत शरणागति ले लेना। ये भागवत का प्रभाव है। महाराज परीक्षित राजा है, लेकिन विनम्रता के धनी है, और विनम्रता एक आभूषण है मेरे भाई। आपने देखा होगा कि जब लोहा नरम हो जाता है तब वो औजार बन जाता है, और जब सोना नरम हो जाता है तो वो जेवर बन जाता है, जब मिट्टी नरम हो जाती है तो वो खेत बन जाती है, और जब आटा नरम हो जाता है तो वो रोटी हो जाता है। ऐसे अगर व्यक्ति अपने जीवन में नरम हो जाए, विनम्र हो जाए, तो भगवान को प्राप्त कर लेने में उसे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, इस संसार में वृक्षों को आपने देखा है, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपना फल संसार को दान करते हैं, ऐसे वृक्ष जो अपना फल स्वयं दे देते हैं, जैसे आम, केला, आंवला, ये ऐसे वृक्ष हैं जो अपना फल वैसे दे देते हैं तो संसार में इनकी पूजा होती है। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपना फल तो देते हैं लेकिन छुपा करके देते हैं, जैसे आलू हुआ, मूंगफली हुई, गंजी हुई। ऐसे फल, ऐसे वृक्ष जो अपना फल छुपा करके देते हैं वह जड़ से उखाड़ करके नष्ट कर दिए जाते हैं, और जो स्वतः दे देते हैं उनकी संसार में पूजा होती है। तो समाज में अगर आपके पास कुछ देने लायक है समाज को तो मुक्त कंठ से उसे दे देना, नहीं तो उसे वृक्ष की तरह उखाड़ करके फेंक दिए जाओगे, दोबारा फिर जाम नहीं सकते।
महाराज परीक्षित जी राजा है, विनम्र है और आंखों में उनके पानी गिर रहा है। आंख में पानी जानते हो किसके गिरता है? कवियों ने बड़ी सुंदर लाइनें दी हैं। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा करता, जिन नैनों में नीर बहाता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा करता। जिनकी आंखें भर आए, जो भगवान की पूजा करते करते रो पड़े, जो भगवान का स्मरण करने पर रो पड़े, ये संसारियों के आंख में पानी नहीं आएगा, पानी फिर भगवत भक्तों की अंतःकरण से आता। एक बात पूछूं, इस दुनिया में जितने लोग पैदा हुए, क्या कोई बाकी है धरती पर जिसकी आंखों में पानी ना आया हो? कोई है ऐसा व्यक्ति जो कभी रोया ना हो? तो जवाब मिलता है कि नहीं। क्यों रोए? कोई बेटा के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई मां के लिए, कोई बाप के लिए, कोई धन के लिए, कोई मकान के लिए, इसीलिए तो रोए। अपने कलेजे पर हाथ रख करके अपने आप से खुद पूछना, क्या आपके आंखों में कभी इसलिए भी पानी आया कि मेरी इतनी उम्र बीत गई मुझे अभी तक भगवान नहीं मिले? नहीं, इसके लिए आप नहीं रोए होंगे। और जिस दिन ठाकुर जी के लिए रो दोगे ना, मैं वादा करके कहता हूं उसी दिन आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन ये अकेले में, ये भगवत शरणागति को प्राप्त करने के बाद महाराज परीक्षित जी राजा है और प्रजा का हाल लेने के लिए गए। एक बार महाराज परीक्षित जी जंगल में गए और इनको वहां इन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल खड़ा है। जब पृथ्वी को तकलीफ होती है तो पृथ्वी गाय बन जाती है और जब धर्म को तकलीफ होता है तो वो बैल का रूप धारण कर लेता है। तब वो बैल बन जाता है। गाय और बैल दोनों आपस में बात कर रहे हैं। गाय चिल्ला रही है, रो रही है और वहीं पर एक काला काला व्यक्ति महाराज परीक्षित जी को दिखाई दिया। जो डंडा लेकर के प्रहार करने की मूड में, महाराज परीक्षित जी ने कहा सावधान, आक्रमण गाय पर मत करना, उचित नहीं है। महाराज परीक्षित जी जब चले गए तो वो जो काला काला व्यक्ति था उसने परीक्षित जी को प्रणाम कर लिया और परीक्षित जी से कहा कि महाराज मैं भी राजा हूं। परीक्षित जी हंसे, कहा कि एक एक म्यान में दो तलवार, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं हो सकते। यहां का तो राजा मैं हूं। तो उसने कहा महाराज मैं अपने युगों का राजा हूं, मेरा नाम है कलयुग और मैं आ गया हूं। मेरा नाम है कलयुग महाराज, मैं आ गया हूं। परीक्षित जी ने कहा तुम्हें रहने की जगह इस देश में नहीं है,
लेकिन परीक्षित दयालु बहुत थे। कालिकाल ने कहा, महाराज ये साम्राज्य तो आपका है, ये सत्य है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मुझे रुकने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए, जहां कहिए वहां रहूं। कहा ठीक है भाई, मैं चार जगह तुमको देता हूं रुकने के लिए। एक कलयुग जहां पर शराब पिया जाए, जहां जुआ खेला जाए, और जहां पर नारी संग हो, जहां पर हिंसा हो। दिवतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मा, जहां पर ये चार काम हो वहां तुम रहो। यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। उसने कहा, महाराज एक जगह और दे दीजिए, मैं सोने पर रहना चाहता हूं। परीक्षित जी ने कहा ठीक। अब परीक्षित जी तो चले गए, लेकिन परीक्षित जी ने लगाया था स्वर्ण का मुकुट, ये कलिकाल उन्हीं के ऊपर बैठ करके पहले उनके विवेक को भ्रष्ट कर दिया। और एक बात ध्यान रखना भाइयों, भगवान जिसको कष्ट देना चाहते हैं उसकी पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हरि ले हो। भगवान जब किसी को कष्ट देना ही चाहते हैं, वो उस लायक होता है, तो उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर देंगे। महाराज परीक्षित जी लौटे, इनको प्यास लगी, एक महात्मा जी बैठे थे समाधिस्त, और उनसे कहा ए महात्मा पानी लाकर पिलाओ। भाई राक्षस की कोई जाति नहीं होती है, जो माता पिता गुरु आचार्य को न माने उससे बड़ा दुनिया में कौन राक्षस हो सकता है। जो मां बाप गुरुजनों का विरोधी हो उससे बड़ा राक्षस दुनिया में कौन है, इसकी कोई जाति नहीं, ये आचरण का प्रभाव है। महात्मा समाधिस्थ थे तो परीक्षित जी ने क्या किया, एक मरा हुआ सांप था गले में लपेट दिया, महात्मा की ओर चले गए। तब तक समीक महात्मा का बेटा श्रृंगी आया, वो लड़का आया, उसने देखा कि पिताजी के गले में सर्प, उसने कहा इस मर्यादा का अतिक्रमण जिसने किया है। इति लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमी हनी, जिसने मेरे पिता के गले में यह सर्प लपेटा है, आज के सातवें दिन उसे तच्छक डस देगा और उसकी भी मौत हो जाएगी। इतना कहकर के पितरम बीच दुखार तो मुक्त कंठोर रोदा, मुक्त कंठोर रोदा। तो बालक जोर जोर चिल्लाने लगा, महात्मा की आंखें खुली और महात्मा सब समझ गए और तुरंत उस बच्चे को डांटा, कहा तूने महाराज परीक्षित जी को श्राप दे दिया। अरे अगर राजा नहीं होंगे तो राक्षसों का राज छा जाएगा, ये पूजा नहीं हो पाएगी, और परीक्षित ऐसे धर्मात्मा नरेंद्र को तूने श्राप देकर के अच्छा नहीं किया, ये बहुत गलत किया है तूने। और कुछ संतों को महात्मा समीक ने भेज दिया कि जाओ परीक्षित जी को बता दो कि उनकी जिंदगी सात दिन शेष बची है। यहां महाराज परीक्षित जी ने जब अपने मुकुट को उतारा, अरे मैंने संत का अपमान कर दिया, मुझे जाकर उनसे माफी मांग लेना चाहिए। परीक्षित जी माफी मांगने के लिए तैयार है, तब तक महात्मा लोग आ गए और उन्होंने कहा महाराज आपकी जिंदगी सात दिन केवल शेष बची है। परीक्षित जी हंसे ठहाका मार करके, बताओ परीक्षित जी ने कहा कि अभी सात दिन में रहूंगा। संतों ने कहा
तो परीक्षित जी ने कहा यह कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। हंसते हुए अपने पत्नी इरावती से कहा, देखो एक पल का किसी का ठिकाना नहीं, हमारा 7 दिन भी कंप्लीट है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अपने पुत्र को राज्य के सत्ता पर बैठा करके और अपना राजपाट छोड़ करके राजऋषि परीक्षित जी महाराज पतित पावनी भगवती भास्वती करुणामयी मां गंगा के किनारे आ गए। बोली गंगा भगवती की, पुण्य सलीला गंगा जी का किनारा। और यह धरती पर हल्ला हो गया कि परीक्षित जी को श्राप हो गया है। परीक्षित जी से बड़े बड़े धर्मात्मा ऋषि मनीषिणी मिलने के लिए गंगा के किनारे इकट्ठा हो गई। आइए, लेकिन परीक्षित जी को कोई चिंता नहीं है, ना तो अपने मृत्यु की चिंता, लोग कहते हैं कि महाराज जी भागवत की कथा 7 ही दिन क्यों होती है, तो इसका जवाब सुन लो, रविवार से शनिवार तक, संडे से सैटरडे तक 7 ही दिन होते हैं, इसी 7ों दिन में हम लोग पैदा हुए हैं सब लोग, और इन्हीं 7ों दिन में मर भी जाएंगे, न पैदा होने के लिए 8वां दिन है और न मरने के लिए 8वां दिन है, ये जिंदगी ही आपकी एक सप्ताह है, ध्यान देना शब्दों पर, जिंदगी एक सप्ताह है और मृत्यु ही अंतिम सत्य है आपके जीवन का। लेकिन अफसोस क्या है कि प्रकृति के चेतावनी के बाद ये मानव समझता नहीं इस तथ्य को। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ बनती। आप देखें अंग गल गया है, दांत गिर गए हैं, बाल पक गए हैं, लाठी डंडे के सहारे चलते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अभी 10 साल अगर और जी जाते तो बड़ा अच्छा रहता। ये स्थिति है।